बच्चों बुकलेट्स का डाउट्स ले रहा हूं, पार्ट वन हीट एंड थर्मो का X7। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कहा है कि वॉल ऑफ दिस कंटेनर इज वीकली कंडक्टिंग। तो अगर हम पिस्टन को सडनली कंप्रेस किया, थोड़ा फास्ट कंप्रेस किया बच्चों, तो हीट एनर्जी यहां से यहां सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा। तो अगर क्विक कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन, तो दैट प्रोसेस कैन बी एज्यूम्ड एज एडियाबेटिक। और अगर स्लो हुआ है, स्लोली बढ़ के कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिंग तो है, ऑल्दो वीकली है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हीट एनर्जी यहां से यहां जाएगा, टेम्परेचर विल रिमेन मेंटेन, दोनों का सेम टेम्परेचर रहेगा। सो आइसोथर्मल। आई होप कि ये सवाल अब सॉल्व हो जाएगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 3, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड वी नो दिस इक्वेशन, बट उस सवाल में कहा है समथिंग रो और पी का रिलेशन दिया है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, वहां पे शायद डेंसिटी को डी लिखा है, मैंने रो लिख दिया। अब बताना पी डैस बाई पी को क्या लिख सकते हैं, रो डैस बाई रो टू द पावर गामा, के तो कैंसिल हो जाएगा, रो डैस बाई रो जो दिया वो 32 दिया है, एंड गामा इज हाउ मच, 7/5। तो ये 32 अगर दिया है तो क्या लिखेंगे, 7/5, तो जगह 2^7, ये कितना होता है, 1/8। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस X5 कर लेते हैं। X7 तो कर लिया ना, बच्चों एक एरर करके टॉपिक है जिसको पढ़ाएंगे तो इस टाइप के सवाल हो जाएंगे, किसी में कितना परसेंट इंक्रीज किया तो क्या होगा, इस टाइप का। पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, इसको मैं डिफरेंशिएट किया था और ऐसे शायद आया था डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, माइनस गामा पी बाई वी, ये हमने कर चुके हैं। तो डीपी बाई पी इज इक्वल टू माइनस गामा डीवी बाई वी, डिफरेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा। अब डीपी का मतलब थोड़ा सा चेंज इन प्रेशर पी, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज। तो डीपी बाई पी के बारे में कहा है इंक्रीज कर दिया, तो डीपी बाई पी अगर 2/3% है तो डीवी बाई वी कितना परसेंट होगा, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3/1/γ, और माइनस होगा, माइनस साइन बताएगा कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा। गामा दे दिया 2/3, तो कितना जाएगा, -1%। समझा क्या सार्थक। नेक्स्ट स्टेज एच सेक्शन हो गया, E3 पे आ गए, पार्ट वन का ही E3।
डी3 तो पिछले क्लास में बताया था, सार्थक ने पिछले क्लास में डिस्कस किया डी3। पी वर्सेस वी ग्राफ है, प्रोसेस है 1-4 ऐसे गया है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो इसमें टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, तो बच्चों एरिया अंडर द लूप, तो ये देखना, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। टोटल वर्क डन दिस पॉजिटिव और दिस नेगेटिव, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बता दीजिए ना। ठीक है, वो अभी बता देता हूँ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हमने नहीं पढ़ाया, वो बता देता हूँ आज। J2 कर लेते हैं, मतलब ये J1 पे बेस्ड है। एक कार्नोट इंजन जो है कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी पता है कितना होता है, 1-T2/T1 या इसको ऐसे लिखा था 1-TC/TH या TL/TH है ना। और इन जनरल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वर्क डन डिवाइड बाय हीट टेकन एट हाई टेंपरेचर, टोटल पॉजिटिव हीट। तो ये भी लिखे थे हमने QC/QH, क्योंकि W क्या लिखा था, QH-QC। फॉर्मूला याद आ गया, तो कितना सिंपल सा है। इफिशियंसी हम लोग अगर लिखेंगे ये जनरल केस है और ये सिर्फ और सिर्फ कार्नोट साइकिल का है, तो ये दोनों से अगर कंपेयर करोगे तो कार्नोट साइकिल के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, QC/QH = TC/TH फॉर कार्नोट साइकिल। क्लियर। QC क्या था, कोल्ड टेम्परेचर पे, सिंक टेम्परेचर पे कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, यही साइड पूछा है। QH दिया हुआ 10^3, TC दिया हुआ 27°C, कितना लिखेंगे 300 K, TH दिया हुआ 627, ये जाएगा 900 K, दैट इज इक्वल टू 1/3। QC विल बी 10^3/3। J2 सॉल्व हो गया क्या, C2 अच्छा मुझे लग रहा है ये दिया हुआ जो ग्राफ है वो आइसोथर्मल ग्राफ है सारे, प्लॉटेड लाइंस आर आइसोथर्म्स। शायद ऐसा मैंने बताया था कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ऐसा ग्राफ होता है, इसका अगर T1 है, इसका T2 है, इसका T3 है, तो तुम बता सकते हो कि क्या होगा, T3 हाईएस्ट होगा, ऐसा रिलेशन होगा। अब एक पॉइंट ले लिया है 1, एक पॉइंट ले लिया है 2 के बाद ले लिया है यहां पे कोई 4 के बाद ले लिया है 5 और क्या लिया है, एक 3 लिया है। अब इसमें कैसे डाउट आ सकता है, नयन पटेल इसमें क्या डाउट है मुझे बता दो यार तुम। सर हाँ बोलो, C2 हो गया था सर, वो बाद में हो गया था सर, वो C2 तो परेशान करता है यार। ये टेम्परेचर ज्यादा पूछा है, वीपी किस क्या होगा, तो वीपी कितना होता है, रूट
तो टेम्परेचर का रिलेशन है, टेम्परेचर देखो वन और टू पे टेम्परेचर सेम है तो वीपी वन और टू का सेम रहेगा, फोर का टेम्परेचर कम है, फाइव का टेम्परेचर, फोर का टेम्परेचर सेम है। तुम पांच से सात मिनट ले लिया ना टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज G6। ई में किसी को डाउट नहीं है? G6 में कह रहा है कि फॉर अ स्मॉल पॉजिटिव कोफिशिएंट। अब देखो गैस के बारे में अगर हम बात करें, ये गैस सिस्टम है, अगर इसको अगर हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड करता है और अच्छा खासा वर्क कर सकता है। गैस को हीट करते हैं इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो अगर इसको हीट करते हैं तो एक्सपेंशन जो होता है बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा। तो अगर थोड़ा सा भी एक्सपेंशन अगर हम एज्यूम करें तो ये कुछ वर्क करेगा, तो उस केस में एनसीपी डेल्टा टी जो हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी प्लस वर्क डन। अब बताना ये कुछ तो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कुछ तो करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, बहुत ज्यादा नहीं करेगा, गैस में बहुत ज्यादा वर्क करता है तो ये थोड़ा सा करेगा, इसलिए सीपी जो होगा वो स्लाइटली ग्रेटर देन सीवी होगा। इजंट इट? सीवी क्या है? डेल्टा यू। तो जो जितना एनर्जी हम इसको देंगे, सपोज हमने दिया इसको एनर्जी 100 जूल, तो ये 100 जूल को ऐसे लिखेंगे एनसीपी डेल्टा टी, जो भी डेल्टा टी हुआ, उसमें से 99 जूल चला गया इसके टेम्परेचर बढ़ाने में और ये थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, सो इट विल डू सम पॉजिटिव वर्क, 1 जूल गया वर्क करने में, क्योंकि 1 जूल ही गया है, तो ये और ये लगभग बराबर है लेकिन ये थोड़ा ग्रेटर है। बात क्लियरली समझ में आई है? अब इसी सवाल को जेई ने पूछ दिया वाटर के लिए कि 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक हम ले जा रहे हैं, तो उसके लिए सीपी और सीवी में क्या होगा रिलेशन? सीपी इज इक्वल टू सीवी, सीपी स्लाइटली लेस देन सीवी, या सीपी इज मोर देन सीवी? सीपी इज स्लाइटली लेस देन सीवी, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि 0 से 4 डिग्री में वाटर क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, वर्क डन बाय द गैस निगेटिव हो जाएगा, है ना। चलो ये कितना आसान तो सवाल है, H1 में क्यों डाउट आया यार? करा ये मेटल है, मतलब ये कंडक्टिंग है, जब ये कंडक्टिंग है और इसको सडनली कंप्रेस कर दिया, सडनली कंप्रेस कर दिया, यहां से ऐसे ले आया, वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस के रिलेशनशिप। टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, है ना, सडनली कंप्रेस कर दिया है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बट ये कंडक्टिंग है। अब इसको यही पोजिशन पे रख दिया है तो एनर्जी जाने लगेगा बाहर, सो एनर्जी अगर बाहर जा रहा है देन व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर जब कम होगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर विल डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज होगा,
isn't it? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको पूछूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहूं, जो हम प्रोसेस किए हैं, ये पी वर्सेस वी, कहा कि वॉल्यूम सपोज कुछ अभी है और एडियाबेटिकली कंप्रेस कर दिया, दैट मीन्स ऐसा प्रोसेस होगा बच्चों, होगा कि नहीं? इंक्रीज किया प्रेशर, प्रेशर यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद कहा कि इसको छोड़ दिया वैसे ही, कैसे छोड़ दिया, वॉल्यूम सेम रखा, तो आइसोकोरिकली वो कूल डाउन हो रहा है, तो उसके बाद कैसा ग्राफ होगा, ये नीचे आएगा और तब तक कूल डाउन हो गया है कि जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर इसका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, मतलब जो पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर आ जाए, तो मैं इस लाइन को कहां तक नीचे पुल करूं, कहां तक नीचे पुल करूं, क्या यहां से नीचे ले जाऊं, यहां से ऊपर ही रखूं, ये सारे आइसोथर्म्स है, तो सवाल ये है कि जो इनिशियल टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर तक आया है, मतलब वो आइसोथर्म्स पे हम ला करके छोड़ेंगे, जो टेम्परेचर यहाँ का है वही टेम्परेचर यहाँ का, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है, आइसोथर्मल का स्लोप थोड़ा कम रहेगा, इसको यहां तक लाके छोड़ेंगे, तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस प्रोसेस जो कहा है उस सवाल में, मुझे लगता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, एच टू मुझे ऐसा लगता है कि H2 मैंने करवा दिया है थ्योरी में, देखते हैं, कार्नोट साइकिल मैंने करा दिया है, हाँ सर इक्वल आएगा, यही तो हमने पूरा थ्योरी प्रूफ किया था, तूने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है, हाँ सर याद आ गया सर, तो तुझे डाउट कैसे आ गया, मतलब कोई भी मन हुआ पूछ दिया कि अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया, कुछ भयंकर दिख रहा है सर को परेशान कर, नहीं सर जब मैं सॉल्व कर रहा था तब नहीं हुआ सर, अभी आपने बोला तो याद आ गया, अरे तो तू जो सवाल में अटका और वैसा सॉल्यूशन अगर टीचर्स ने दे दिया तो स्ट्राइक कर जा रही यार, मैं तो हाँ अटका था, एच टू ऑलरेडी करवा चुके हैं क्लास में, उसके बाद आता है एच फाइव, प्रीवियस क्वेश्चंस का मतलब एच थ्री आई थिंक है ना, ये भी बड़ा आसान डाउट पूछा है समर, दो सैंपल है इनिशियली सेम स्टेट में, दोनों यहीं पे हैं, एक को सैंपल वन को आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है और दो को एडियाबेटिकली एक्सपैंड किया है और सेम फाइनल वॉल्यूम है,
क्या मैं ये ग्राफ ड्रॉ किया सही सही? ये सारे सवाल एकदम होने चाहिए, बहुत मन से पढ़ाया हूं। किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडियाबेटिक का। तो वन कह रहा आइसोथर्मल और टू कह रहा है एडियाबेटिक। इसको वन पुट कर दूं, इसको टू पुट कर दूं, कॉमन पॉइंट पे स्लोप टू का ज्यादा है, सो दिस इज एडियाबेटिक। तो पी एडियाबेटिक और पी आइसोथर्मल, फाइनल पी आइसोथर्मल कौन ज्यादा है? ये क्लियर है कि नहीं? तो H4 हो गया और H3 क्यों हो जाएगा? P एडियाबेटिक का कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा, और टेम्परेचर तो ऐसे भी देखो एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और आइसोथर्मल एक्सपेंड करेंगे तो टेम्परेचर सेम रहता है। तो उससे भी बता दोगे, ग्राफ से भी बता दिया। अब बात आती है वर्क डन का। तो बच्चों वर्क डन एडियाबेटिक में ये होगा, आइसोथर्मल में ये होगा, कौन सा ज्यादा है? आइसोथर्मल वाला। क्या डाउट है इसमें यार, क्या डाउट है? चलो H6 में डाउट था मुझे लगता है, किसको? सार्थक को। When an ideal gas undergoes an adiabatic change causing temperature change delta T. जब adiabatic process है delta Q zero। नहीं, adiabatic में delta T क्यों zero? Sir delta Q बोला। Delta Q is equal to zero। तो डेल्टा यू प्लस वर्क डन जीरो होगा। अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा यू बढ़ा है, मतलब डब्ल्यू निगेटिव होगा। देयर इज नो हीट गेन और लॉस बाय द सिस्टम, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, नो हीट गेन ऑफ लॉस। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Work done by the gas is equal to negative of change in internal energy. So two wrong हो जाएगा। Change in internal energy per mole of the gas is Cv delta T. Yes. Delta U का तो formula ही है, n Cv delta T. तो one and three correct, C option. बताओ इसमें कोई दिक्कत? सार्थक सर मैंने I6 पूछा था, H6 में किसी ने तो पूछा है ना। चलो I3 पे आ जाते हैं। अब इसके बीच में जैसे आगे बढ़ रहा हूं, एच में किसी को और डाउट है पूछ लो, थोड़ी डांट भी अगर पड़ी तो क्या बात, क्या दिक्कत है? I3 जो है वो एरोडोव का सवाल है। अब बच्चों मेरा असाइनमेंट आना बाकी है, पहले तो बुकलेट कंप्लीट करो फिर असाइनमेंट दूंगा। सर वो असाइनमेंट दी थी ना आपने? वो तो ऐसे ही बच्चों के लिए दे दिया था, छोटा सा असाइनमेंट, मेन असाइनमेंट आएगा वो, तो तुम लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया होगा। हो गया सर, कर लिया, गुड। करा मोलर हीट कैपेसिटी जो है वन ए बाई टी है, ए हीट सम कांस्टेंट। पूछा है वर्क डन बाय वन मोल ऑफ गैस ड्यूरिंग हीटिंग
क्या होगा? वर्क डन क्या होगा अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है टी नॉट टू ईटा टी नॉट, है ना? तो हमें पता है बच्चों, क्या पता है, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, अब बताओ डी डब्ल्यू डायरेक्टली निकालने के लिए डी डब्ल्यू का होता है पी डीवी। तो ये दिया नहीं है कि कैसे पी चेंज हुआ, बट कह रहा है डी क्यू दिया हुआ, सी दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली ये निकालना क्या करते हैं, ये निकालने आता है, ये निकालने आता है। देखना कितना आसान सा सवाल है, वर्क डन इज इक्वल टू काइंडली राइट डी क्यू का इंटीग्रेशन माइनस डी यू का इंटीग्रेशन। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एन सी डी टी माइनस डी यू, तो पता ही है एन सी वी डी टी। ये कितना आ जाएगा, एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी कितना है ए बाई टी। तो ए बाई टी तो क्या हो जाएगा, एल एन टी, लिमिट पुट कर देता हूं, टी नॉट से ईटा टी नॉट माइनस, अभी भी तो कोई बोल दो यार कि हो गया CV, किस फॉर्मेट में दिया है सवाल, गामा में। CV क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस वन, डेल्टा T क्या हो जाएगा, एट ईटा T नॉट माइनस T नॉट। सॉल्व हो गया? हाँ सर, क्लियर है। आसान था या टफ था? नेक्स्ट I4 भी इरोडोव का ही सवाल है। ये सब कोई कंसेप्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। T इज इक्वल टू T नॉट प्लस ए वी क्यू, कहा कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ये कर रहे हैं। अब सुनना, कोई भी प्रोसेस है, एक प्रोसेस का इक्वेशन होगा, मेरी बात पूरा सुनना, एक प्रोसेस का इक्वेशन होगा और एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, ये तो हमेशा वैल्यू हर जगह की, इसको ब्रह्मास्त्र नहीं कहेंगे, कोई दूसरा चीज बोलना चाहिए, मास्टर की, मास्टर की, हाँ मास्टर की है, समर्थ की, समर्थ तू दर्शन वर्शन दे नहीं रहा यार। T इज इक्वल टू, अब सवाल देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम वेयर प्रेशर इज मिनिमम। पूछा वॉल्यूम क्या होगा जब प्रेशर क्या है, मिनिमम है। अब तुम्हारा दिमाग चलेगा पी और वी में रिलेशन लिखना है बच्चों, क्या करना है, पी और वी में रिलेशन लिखना है, मतलब टी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, पी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी के जगह पे पुट कर देंगे टी नॉट प्लस ए वी क्यू। पी एज ए फंक्शन ऑफ वी, टी नॉट बाय वी प्लस ए वी स्क्वायर। अलग अलग वॉल्यूम अलग प्रेशर, प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैक्सिमम बहुत मन से पढ़ाया था, मैथमेटिकल टूल में इतना टाइम लिया था हमने तुम लोगों का, कहीं दिक्कत ना हो, मैथमेटिक्स कहीं आड़े हाथ ना आए। डीपी बाई डीवी इक्वल टू जीरो, ये तो कॉन्स्टेंट रहने, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टी नॉट बाई वी स्क्वायर वन बाई वी का, इसका कितना हो जाएगा, ए इंटू वी स्क्वायर का हो जाएगा टू वी, और ये कितना होना चाहिए जीरो, मतलब वी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी नॉट बाई टू ए। हो गया सॉल्व, कौन सा आंसर होगा, आई थिंक ए पहला, क्लियर है सर।
अब बताना, सच मुझे बताना, क्या ये टफ लगा i5? मॉडरेट लगा सर बताने के बाद। अरे कहाँ मॉडरेट यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। p और v में रिलेशन लिखना है, क्योंकि क्यों लिखना है रिलेशन, पूछा है कि p मिनिमम किस वॉल्यूम पे होगा, p और v में इन दोनों से लिख लिया। अब मैक्सिमम मिनिमम का डीपी बाई डीवी, पी इज अ फंक्शन ऑफ वी। अब i5 भी कोई बच्चा परेशान होकर पूछ रहा है, मैं बताऊं या हो जाएगा सर? हाँ बोलो। i4 हो गया था सर, लेकिन i5 में जब वैल्यू डाली ये t0/2 ये a0 का क्यूब रूट तो आने रहे सर वो वैल्यू। तो ना एक डंडा रखा हुआ ऑफिस में, आना एक बार, दो चार डंडे लगेंगे ना, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और वो नहीं आ रहा है तुझे, मुझे लाके दिखाना कैलकुलेशन है ना। अगर डंडे खाने हैं तो ऑफिस में आके कैलकुलेशन दिखाना कैसे नहीं आ रहा। नयन पटेल सर, उसको थोड़ा ज्यादा सिंपलीफाई करना है। हाँ तो करना चाहिए ना उसको सिंपलीफाई, किया है ना सर? नयन पटेल करना उसको सिंपलीफाई, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल किसी ने i6 पूछा है। अब इसमें क्या हुआ कि जो टीचर्स ने इसको बनाया वो मोस्टली ये सोचा है कि बच्चे को आता है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव क्या होता है, हालांकि तुम लोगों क्लास में मैंने बता दिया था, ऑल्दो ये यहाँ पे बताते नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। साउंड वेव का स्पीड होता है गामा आर टी बाई एम, और रूट मीन स्क्वायर होता है 3 RT/m। दोनों का रेशियो उन्होंने कुछ दिया है, तो इससे हमें गामा निकल जाएगा कि नहीं i6 के लिए? हो जाएगा सर, गामा निकल गया। और PT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मोलर कैपेसिटी, कितना प्यार से समझाया है। ऐसे सवाल कोई भी है तुम लोग तो एकदम खुश हो जाना चाहिए, कह रहे यार ये तो बोनस मार्क आ गया, इसका मोलर कैपेसिटी PV^2 ½ = constant क्या हो जाएगा? C = CV + R/(1 - m) थोड़ा डांट लगा दो, बट i7 भी बता दो। अब मैं पूछूं कि सीवी निगेटिव कब होगा, सॉरी सी निगेटिव कब होगा? When C will be negative? बच्चों ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो और इसका वैल्यू इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो, मतलब गामा माइनस वन जो है ये बड़ा हो जाए किससे, m माइनस वन से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R/γ-1 - R/m-1। ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए इससे, है ना? तो क्या होना चाहिए बच्चों, m शुड बी लेस देन किसके, हर्षवर्धन बोल रहा है कि सर ग्रेटर देन वन भी होना चाहिए।
m should be less than gamma, sorry less than gamma होना चाहिए, और अगर m क्या हो जाए 1 से छोटा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये कंडीशन होना चाहिए, और m should be ग्रेटर देन 1 भी होना चाहिए तभी तो ये निगेटिव होगा। तो रिलेशंस क्या हो जाएगा बच्चों कि m जो होना चाहिए 1 से ग्रेटर और लेस देन, क्लियर? अच्छा तो एक और थ्योरी पढ़ा देता हूं, ये सवाल पूछा तो उस पर एक अच्छा सा थ्योरी बता रहा हूं, यहां पे देखना, इसी को ग्राफिकल वे में P वर्सेस V ग्राफ, ये हो गया आइसोबारिक, ये हो गया आइसोथर्मल, ये हो गया एडियाबेटिक, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, P V to the power m is equal to constant का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, m is equal to 1 के लिए ये है, m is equal to gamma के लिए ये है, इसमें मोले हीट कैपेसिटी C कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ना इसके लिए, और मोले हीट कैपेसिटी निगेटिव होने के लिए क्या था बच्चों, 1 से m बड़ा होना चाहिए और लेस देन गामा होना चाहिए, और मोले हीट कैपेसिटी टू बी निगेटिव। तो अगर कोई प्रोसेस ऐसा है, ऐसा प्रोसेस है पी वी टू द पावर एम, तो इस प्रोसेस के लिए एम क्या होगा, क्या रिलेशन रहेगा, इसका स्लोप कम है इससे, एम स्मॉलर देन गामा है, और अगर ऐसा प्रोसेस है तो इसका जो m है ग्रेटर देन गामा है, तो इन दोनों में से इसका नाम दे दिया a प्रोसेस, इसका नाम दे दिया b, कुड यू टेल मी कि a के लिए मोलर हीट कैपेसिटी c पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, b के लिए मोलर हीट कैपेसिटी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अगर हमने ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया है तो, बी वाले में पॉजिटिव, बी वाले में पॉजिटिव और ए वाले में नेगेटिव, ए वाले में नेगेटिव, क्लियर? यस।
तो ये ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ले लिया आइसोथर्मल और एक ले लिया एडियाबेटिक। ठीक है, इसके बीच में रहेगा तो मोलर कैपेसिटी निगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। बच्चों ये एच सी वर्मा का सवाल है, ये सवाल फोर्थ कॉन्सेप्चुअल सवाल है। एक गैस सैंपल है ए, ए स्टेट में कहा सीपी माइनस सीवी दैट इज इक्वल टू 1.09 आर। ओके, और एक केस में कहा सीपी माइनस सीवी जो है 1.00 आर। अब अगर मैं बात करूं इसकी, बात करता हूं मैं तो ये कह सकते हैं कि दिस इज फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये हमने डिराइव किया था। और इसकी बात करें तो ये तो सर्टेनली आइडियल नहीं होगा, नॉन आइडियल होगा। ठीक है, इतना क्लियर, ये आइडियल गैस के लिए और ये नॉन आइडियल के लिए है। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं सर? अब बताना आइडियल गैस का बिहेवियर क्या, कब होता है गैस आइडियल स्टेट में कब बिहेव करता है? एट लो प्रेशर, हाई टेंपरेचर। लो प्रेशर, हाई टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर। तो क्या ये सवाल सॉल्व हो गया? करा स्टेट ए में प्रेशर अभी गैस का है पी ए, स्टेट बी में है प्रेशर पी बी। तो कैन वी से दैट कि पी बी इज लेस देन, लो प्रेशर होना चाहिए ना, आइडियल गैस है, पी बी इज लेस देन पी ए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टी बी शुड बी ग्रेटर देन टी ए। इज इट करेक्ट? हाँ सर, ये एग्जैक्टली अच्छे वर्मा का ऑब्जेक्टिव है। चलो एक बार और समझा देता हूं। हम लोगों ने सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर निकाला है, ये वैल्यू फाइंड किया। सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर। और जो भी हमने डेरिवेशन किया था वो आइडियल गैस लेके किया था। तो आइडियल गैस जैसा बिहेवियर कब होता है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और ये डेविएट कर रहा है आइडियल गैस से, मतलब ये रियल गैस है ना। तो इन दोनों में कंपैरिजन पूछ रहा है। सर्टेनली अगर रियल गैस है तो इसका रियल गैस जैसा बिहेवियर कब होगा? जब प्रेशर हाई रहेगा या टेम्परेचर लो रहेगा। इसलिए रिलेशंस का, ये स्टेट ए के लिए ऐसा बिहेवियर है, स्टेट बी के लिए ऐसा बिहेवियर है। अभी भी नहीं क्लियर बच्चों? एक चीज हमने नहीं पढ़ाया था, लिख लेना। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? बहुत छोटा सा थ्योरी है कि इनिशियली ये माना गया था कि हीट एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं और वर्क डन
टू आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दोनों अलग है ना, और हीट को हम मेजर करते थे, हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी, जबकि वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कैसे मेजर करते थे, इन टर्म्स ऑफ जूल, जो यूनिट था न्यूटन इंटू मीटर, पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करते थे, जूल। अब बाद में देखा ये गया कि अगर मान लो ये वाटर है सपोज, और इसको किसी ने क्या किया, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, जो कैलोरी में हम मेजर करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया एच, समझो 2 कैलोरी 1 कैलोरी, और इसका टेम्परेचर चेंज हुआ कुछ डेल्टा टी, और दूसरे सैंपल में यह साइड इतना ही वाटर लिया, किसी ने क्या किया, इसको इसको ना इस पे वर्क किया, वर्क कैसे करेगा, इसको एक स्टीयरर लिया और बहुत तेजी से इसको घुमाया, तो देखा क्या गया कि इस पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज 2 तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली हीट देके या इस पे कुछ वर्क करके। तो हमारे साइंटिस्ट को ये चमका कि एक्चुअली वर्क और हीट में कुछ तो रिलेशन है, मतलब वर्क और हीट 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक ही क्वांटिटी है, समझा क्या। तो उन्होंने क्या किया, इस पे कुछ वर्क परफॉर्म किया, कुछ वर्क परफॉर्म किया और देखा कि इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से चेंज हुआ, उतना ही डेल्टा टी से चेंज करने के लिए इसका टेम्परेचर को कितना हीट देना पड़ेगा, तो एच, तो इन्होंने वर्क किया डब्लू, तब जो चेंज आया उतना ही चेंज के लिए उन्होंने एच हीट दिया, तो उन्होंने कहा कि डब्लू और एच क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समझा क्या। लेकिन ये इक्वल है नहीं, बिकॉज द टू आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट, बिकॉज एच को मेजर करने के लिए हमने जो यूज कर रहे थे टर्म्स, जो यूनिट ले रहे थे वो कैलोरी ले रहे थे, इसको मेजर करने के लिए जूल ले रहे थे, तो इक्वल कैसे होगा नंबर में, लेकिन है तो ये इक्वल, तो एक कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए है ना, एक पर्पसली कॉन्स्टेंट आना चाहिए, तो वहां पर उन्होंने लिख दिया डब्ल्यू इज इक्वल टू सम फैक्टर इनटू एच, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल का मतलब वर्क डन, मैकेनिकल वर्क, हीट का मतलब जो दे रहे हैं, इक्विवेलेंट करने के लिए, इक्वल करने के लिए वी नीड ए फैक्टर, ये फैक्टर क्या है, तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर हम सपोज 1 कैलोरी हीट दिए हैं, 1 कैलोरी और इस पे वर्क किया है 4.2 जूल, बोथ गिव द सेम रिजल्ट, तो 1 कैलोरी इज इतना, तो यहां पे जे दे दिया, तो कन्वर्जन जे कितना आ जाएगा यहां से 4.2, यही है कन्वर्जन वाला फैक्टर, इज इट क्लियर, यस सर। तो क्या करना है, अगर पूछेगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट निकालो तो तुम्हें करना क्या है, एच निकालना है, एच को लिखना है कैलोरी में, और W निकालना है, ये जूल में आएगा, और W इज इक्वल टू J इनटू H लिख दोगे, जो भी क्वांटिटी J आएगी, मतलब J इज इक्वल टू W बाई H, ये हो जाएगा जूल में और H हो जाएगा कैलोरी में, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, बताओ समझ में आया तो बोलो। अब एचसी वर्मा के बुक में ऐसे सवाल होंगे बच्चों कि कोई एक एक्सपेरिमेंट किया गया to find the mechanical equivalent of heat, एक cyclic process लिया, एक cyclic process लिया
सपोज ये पी वर्सेस वी ग्राफ लिया हूं और कहेंगे कि इसमें टोटल नेट डेल्टा क्यू जो हो गया सपोज नेट डेल्टा क्यू सपोज हो गया 5 कैलोरी सपोज नेट डेल्टा क्यू और इसमें वर्क डन निकाला गया है साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन आ गया है वो आ गया है 21 जूल पूछेगा बताओ इस एक्सपेरिमेंट से कितना आया मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो देखो वर्क डन हमें पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू होता है पता है लेकिन चूंकि अलग अलग यूनिट में मेजर किया हुआ है तो यही डेल्टा क्यू की जगह एच लिख लिया और डब्ल्यू इक्वल टू जे इंटू एच तो जे एच के जगह पे लिखेंगे कितना 5 कैलोरी और डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखेंगे 21 तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 21/5 यही आ गया फैक्टर क्लियर।